तो यहाँ आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम स्पेसिफिक ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहाँ हम उसके आर्टरीज और वेन्स की बात कर लेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट आर्टरीज, कि आर्टरीज क्या चीज़ है। रेड ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। तो बिल्कुल लास्ट में हम आर्टरीज और वेन में डिफरेंस उनको कंपेयर करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप यही समझ लेंगे तो उस समय आपके लिए ईजी होगा डिफ्रेंशिएट करना। सो व्हाट हैपन्स कि जो आर्टरीज हैं वो रेड कलर की ब्लड वेसल्स हैं, रेड ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती है। अब अवे लेकर जाती है तो कहाँ लेकर जाती हैं, ब्लड सेल्स की तरफ। तो इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एज आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत सी एक्सेप्शंस, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। तो इसमें भी एक्सेप्शंस है। सो देयर इज पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। नाउ अम्बिलिकल आर्टरी आप फीटल सर्कुलेशन में देखेंगे जब हम फीटस का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, और पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके ये आप हार्ट में देखेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, दीज टू एक्सेप्शंस यू हैव टू रिमेंबर। ये क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सारी आर्टरीज में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी सबको याद रहती है, अम्बिलिकल आर्टरी सब भूल जाते हैं, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, इनकी नाम में तो आर्टरी है, इनका जो फंक्शन है मतलब कि लेके ये भी हार्ट से अवे ही जा रही हैं ब्लड को, लेकिन इनमें ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई वो तो इनके ब्लड का लेके जाने का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो इसीलिए इनको आर्टरी कहा गया है, लेकिन इनमें ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी जो है ये एक्सेप्शन है। इसी तरीके से अगर हम वेन्स में पढ़ेंगे तो वहाँ आपके पास पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन जो है वो एक्सेप्शन हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू एक्सेप्शंस। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट से शुरू हुआ और वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी तक गया। अब है क्या ब्लड वेसल, अपने आप में क्या है आर्टरी, क्या है, इट इज़ अ थिक इलास्टिक मस्कुलर लेयर दैट कैन हैंडल द हाई प्रेशर ऑफ द बॉडी। अगर आप हिस्टोलॉजिकली हम आर्टरी का कोई सेक्शन या वेन का कोई सेक्शन देखते हैं, हिस्टोलॉजिकली मतलब हम उसका सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बाहर की लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल वर्ड बाहर के लिए होता है। एक मिडिल की लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, और इनसाइड यू हैव ट्यूनिका इंटीमा। और ल्यूमन का मतलब होता है, अगर ये ब्लड वेसल है तो ये जो हॉलो चीज़ होगी इसको हम ल्यूमन बोल देंगे। तो ल्यूमन है, यू हैव थ्री लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना में कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और ट्यूनिका मीडिया में भी फाइबर्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ट्यूनिका मीडिया, मीडिया एम से शुरू हो रहा है तो यानी कि इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स नहीं होंगे ब्लड वेसल में, इट वुड हैव ओनली स्मूथ मसल्स। और ट्यूनिका इंटीमा में एंडोथीलियम यानी कि जो एपिथीलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, अगर आप याद करें तब हमने एंडोथीलियम वर्ड यूज़ किया था कि ब्लड वेसल्स में इसका नाम एंडोथीलियम होता है। तो स्ट्रेटिफाइड जो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है विच इज़ कॉल्ड एज एंडोथीलियम, ब्लड वेसल के लिए हम वर्ड एंडोथीलियम यूज़ करते हैं, तो वो आपका बनाता है ट्यूनिका इंटीमा में। ये तीन लेयर्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आर्टरीज की टाइप्स पढ़ेंगे तो इन तीन लेयर्स में जो कॉम्पोनेंट्स है ना, इलास्टिक फाइबर का, कनेक्टिव टिश्यू का या स्मूथ मसल का, इसी में ही डिफरेंस होगा तो उसकी वेरिएशन बनेगी आर्टरीज की, ठीक है। तो जब हम हिस्टोलॉजिकली आर्टरी को देखते हैं, आर्टरी का फंक्शन आपको पता चल गया, आपको दो एक्सेप्शन पता चल गए। अब हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में यू हैव ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा में क्या है आपका एंडोथीलियम यानी कि आपका एपिथीलियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। और ट्यूनिका मीडिया में एम से मीडिया, एम से मसल, तो स्केलेटल मसल तो यहाँ है नहीं, वो तो लिम्स में है, तो बचा स्मूथ मसल, स्मूथ मसल होती है यहाँ पे। और जो एक्सटर्नल है उसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर फाइबर्स, जो आपके फाइब्रोब्लास्ट, वो सब देखने को मिलेंगे। नाउ
दीज आर लोकेटेड डीपर इन द बॉडी वॉल्स. अब जब आप आर्टरी और वेन का अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा गहराई में आपको आर्टरीज मिलेंगी, वेन सुपरफिशियली पड़ी होंगी. आप देख सकते हैं आपको कुछ सुपरफिशियल वेन्स तो आप नॉर्मली भी देख सकते हैं. यहाँ हो गया ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर या ब्लू स्ट्रक्चर जो क्रॉस कर रहा है वो आपकी वेन्स है. लेकिन कभी आपको ऊपर स्किन से देखते हो आर्टरी दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि आर्टरी इज प्लेस्ड डीप. अब आर्टरी को डीपली क्यों रखा गया है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. कट हो गई तो क्या होगा, उसी टाइम उस सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगी ना, तो डैमेज ज़्यादा होगा. तो इसीलिए आर्टरीज को नीचे रखा गया है और वेन्स को सुपरफिशियली रखा गया है. सो दीज आर लोकेटेड डीपर इन द बॉडी वॉल्स. आर्टरीज वॉल्स आर मोर रिजिड. तो जो आर्टरी की वॉल है, आर्टरी और वेन, अगर हम आर्टरी को भी खाली कर दें और वेन को भी खाली कर देना, तो आर्टरी जो है वो तो वैसे ही रहेगी. जैसे एक मोटी पाइप है और एक पतली पाइप है, तो अगर एक मोटी पाइप है आप उसमें से पानी निकाल भी दोगे तो उसका शेप मेंटेन रहेगा, वो रिजिड है. लेकिन जो पतली पाइप है उसमें क्या होगा, जिसकी वॉल्स पतली हैं, अगर उसमें पानी नहीं है तो वो क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, वो पिचक जाएगी. तो वेन्स आर दैट पतली पाइप्स, ठीक है? तो अगर उनमें से कुछ क्रॉस नहीं कर रहा तो उनकी जो वॉल्स है वो कोलैप्स कर जाती हैं आपस में, ठीक है? तो इसी हिसाब से रिजिड कौन सी हुई अगर हम दोनों में से करें तो आर्टरी. और आर्टरी को रिजिड होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है, कि जो फ्लोइंग मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड है ब्लड वेसल्स में, वो ब्लड जब फ्लो करता है तो वो ब्लड वेसल के ऊपर कितना प्रेशर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. तो अब जो हम ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं ना, वो आर्टरी की. अब हमेशा आर्टीरियल बीपी बोलते हो, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वर्ड आता है हमेशा, कि कभी भी वीनस ब्लड प्रेशर को है हम नहीं मेजर करते. तो आर्टरीज को ब्लड प्रेशर को भी हैंडल करना होता है. क्यों? क्योंकि हार्ट जब पंप करता है ब्लड को तो वो बहुत प्रेशर के साथ करता है. तो जब हार्ट ब्लड को प्रेशर के साथ पंप कर रहा है तो वो सारा ब्लड आर्टरीज में ही जाना है ना. तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हार्ट का जब ब्लड को पंप करते टाइम जो प्रेशर है, उतना ही ओरिजिन के टाइम पे जो हमारी मेजर आर्टरीज हैं उनका प्रेशर होता है. तो इसीलिए आर्टरीज को रिजिड होना ज़रूरी है टू हैंडल दैट ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करके रखे. अदरवाइज वो तो फट जाएंगी, इतने प्रेशर से अगर हार्ट डालेगा उनमें मेजर वेसल्स, तो मेजर वेसल्स तो कब की वो हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी. तो इसीलिए ये रिजिड हैं. नेक्स्ट, वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट. नाउ व्हाट आर वॉल्स? आप इधर देख सकते हैं इस तरीके से वॉल्व. तो वॉल्व कुछ नहीं होता, ये मान लीजिए ब्लड वेसल है. तो यहाँ दो लीफलेट्स टाइप स्ट्रक्चर होंगी. इन ये लीफलेट्स है ना, बिल्कुल पतली सी. आपने वॉल्व टर्म हार्ट में भी आप पढ़ोगे, ब्लड वेसल्स में भी पढ़ोगे. तो दे डू नॉट हैव वॉल्स. क्यों इनको वॉल्स की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वॉल्स का क्या फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स, या वॉल्स प्रेजेंट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड. बैक फ्लो ऑफ ब्लड का क्या मतलब है, अब देखिए, हार्ट से सारी बॉडी में जाना है, ठीक है? तो ग्रेविटी से अपने आप ही चला जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है वॉल्व की. आर्टरी ने तो हार्ट से यहाँ, अब मुझे इस फिंगर तक ब्लड पहुँचाना है या मेरे टो तक ब्लड पहुँचाना है, तो मुझे वॉल्व की क्या ज़रूरत है, वो ग्रेविटी से अपने आप ही चला जाएगा. ब्रेन में भी जाता है, उसका एक अलग सिस्टम है, वो प्रेशर की वजह से ब्रेन में भी चला जाता है और ग्रेविटी की वजह से आपकी सारी बॉडी में चला जाता है. तो वहाँ वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं है, बैक फ्लो होएगा ही नहीं. आप तो चाहते हो ना वो नीचे पहुँचे, तो वो क्यों होगा? लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम वेन की बात करें, तो वेन का क्या काम है, उसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है, उसको पैरों से ब्लड को हार्ट तक लेके आना है. तो क्या होगा, अगर जैसे वो थोड़ा सा उसमें राइज किया, वो वापस जा सकता है ना, वो वापस चला जाएगा ब्लड में, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है. तो इसी वजह से वेन में वॉल्व्स होते हैं कि जो ब्लड एक बार ऊपर आ गया तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, जो ऊपर आ गया वो नीचे नहीं जाएगा, वापस ग्रेविटी के इफेक्ट से नहीं जाएगा. तो इसीलिए आर्टरीज में वॉल्व की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उनको फ्लो ग्रेविटी की डायरेक्शन में देना है. और वेन्स में वॉल्व की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उनको जो एंटी ग्रेविटल फ्लो देना है, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट ब्लड को पहुंचाना है. तो इसीलिए वॉल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज एक्सेप्ट फॉर सेमी ल्यूनर वॉल. ये हम सेमी ल्यूनर वॉल्स की बात हम हार्ट में करेंगे. सो दिस वॉज अबाउट आर्टरी. सो टाइप्स ऑफ आर्टरीज, अब आप इधर देख सकते हैं कि यू हैव, अगर हम आर्टरी, एक आपकी होती है मेजर आर्टरीज, ठीक है? फिर मेजर आर्टरीज आपस में डिवाइड हो जाती हैं आर्टरीज में, सिंपल जो आर्टरीज है जो पूरी बॉडी में फ्लो करती हैं.
और इन आर्टरी से भी छोटी हो जाती हैं आपकी आर्टीरियोल्स। तो यू हैव अयोटा जिसका सबसे बड़ा डायामीटर है, अयोटा के बाद यू हैव आर्टरीज, और आर्टरीज के बाद आ जाती हैं आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल्स के बाद आपका कैपिलरी नेटवर्क वाला जो पार्ट था वो शुरू हो जाता है। तो अभी हम अगर इन आर्टरीज की बात करें तो अयोटा तो एक ही है आपकी बॉडी में जब हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, आपके ज़्यादातर बॉडी में आपको आर्टरीज देखने को मिलेंगी। तो जो ये आर्टरीज हैं ये दो तरीके की हैं, इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी। अब आपको नाम से इसमें देखने को मिलेगा कि इलास्टिक आर्टरी का क्या मतलब है, जिसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है, यानी कि जिसकी ट्यूनिका एक्सटर्ना में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है और इसमें एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होगी इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा हैं। और जो मस्कुलर आर्टरी है वो आपकी मस्कुलर, तो यानी कि इसमें मसल्स वाला जो पार्ट है यानी कि ट्यूनिका मीडिया में जो स्मूथ मसल्स थी वो ज़्यादा हैं। अब ये डायग्राम में देखो इसकी थिकनेस यहाँ ज़्यादा है और इसकी थिकनेस कम है, तो ये डिफरेंस है इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी में। तो जितनी भी मसल्स में जा रही हैं वो सारी मस्कुलर आर्टरी है, उससे पहले वाली सारी इलास्टिक आर्टरी का एग्जांपल्स होंगी। और आर्टीरियोल में क्या होंगे, ये लेयर्स और कम हो जाएंगे तो और छोटा डायामीटर बन जाएगा, तो दीज आर कॉल्ड एज आर्टीरियोल। तो आपको क्या याद रखना है, इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी। अगर हम इसको हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका करें लेयर्स के हिसाब से, तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरी एंड मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी में मसल लेयर ज़्यादा है और इलास्टिक आर्टरी में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है। तो जितनी भी मसल्स को जा रही हैं वो मस्कुलर आर्टरी, और उससे पहले अयोटा और मस्कुलर आर्टरी में जाने से पहले जो बीच का है वो है इलास्टिक आर्टरी। इलास्टिक आर्टरी क्या कर सकती हैं कि ज़्यादा ब्लड अगर हो, ठीक है, तो जो मेन आर्टरीज हैं वो इलास्टिक आर्टरी का एग्जांपल है कि अगर ब्लड ज़्यादा वॉल्यूम से आए तो इलास्टिक आर्टरी फ्लेक्सिबल होंगी ना, इलास्टिसिटी है उनमें, वो एक्सपैंड भी कर सकती हैं और वापस अंदर भी आ सकते हैं। तो अगर एकदम से प्रेशर से ब्लड आएगा तो दे विल एक्सपैंड, जबकि मस्कुलर आर्टरी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो जहाँ लो प्रेशर है बाद में आके तो प्रेशर लो हो जाता है, तो वहाँ आपको मस्कुलर आर्टरीज देखने को मिलेंगी। जो आपकी मेजर आर्टरीज हैं वो एग्जाम्पल है आपका इलास्टिक आर्टरीज। सो नेक्स्ट, ये तो थी आपकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या हम इसको एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि हिस्टोलॉजी में एनाटॉमी का ही एक ब्रांच है। देन यू हैव फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब आपको ये जो ब्रैकेट्स में नाम देखने को मिल रहे हैं, कंडक्टिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, रेजिस्टेंस वेसल्स, एक्सचेंज वेसल्स और कैपेसिटेंस वेसल्स। तो ये जो आपने पांच नाम देखे, कंडक्टिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, रेजिस्टेंस वेसल्स, एक्सचेंज वेसल्स और कैपेसिटेंस वेसल्स, ये आपके आ जाती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो आपकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आप क्या देखेंगे, इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, देन योर आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स फिर क्या बन गए, मेटा आर्टीरियोल, मेटा आर्टीरियोल के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद स्मॉल विन्यूल्स, फिर स्मॉल वेन्स, फिर लार्जर वेन्स। तो ये जो आपको मेरे ग्रीन कलर से मार्क किया है ये इट फॉर्म्स योर फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जो आपका पर्पल हाईलाइट किया गया है वो है आपकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों को साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका फंक्शन सेम है, ठीक है, तो इनको साथ इसीलिए लिखा गया है ताकि आप इसका फंक्शन भी साथ साथ समझ लें। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कल जब आप सर्कुलेशन पढ़ेंगे दो तरह का, सिस्टेमिक और पल्मोनरी, तब फिर से ये डायग्राम तब आएगा। हार्ट है, हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, आपको इस एरो को ट्रेस करना है। तो ये आर्टीरियल सिस्टम है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है बॉडी सेल्स तक, ठीक है, बॉडी सेल से ये ब्लू कलर का ब्लड जा रहा है, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट तक, तो यानी कि ये है इसका वीनस सिस्टम। अब आर्टीरियल सिस्टम ने क्या किया कि यहाँ से जो है, मैंने आपको बताया कि मेजर आर्टरीज जो होती हैं वो इलास्टिक आर्टरीज का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि उनमें हो सकता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है ब्लड को या किसी कोई ऐसे रीज़न की वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आए, तो इनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये एक्सपैंड कर सके। तो आप ये डायामीटर देखें इलास्टिक आर्टरीज का,
फिर इलास्टिक आर्टरीज डिवाइड होगी, क्योंकि जब यहाँ तक आया तो वो प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, तो ये इलास्टिक आर्टरीज डिवाइड हो रही है मस्कुलर आर्टरीज में। मस्कुलर आर्टरीज का जो डायामीटर है वो इलास्टिक आर्टरीज से छोटा है, और फिर मस्कुलर आर्टरीज जो है फिर इनसे छोटी आर्टरीज निकली आर्टीरियोज, आर्टीरियोज इनसे भी छोटी हैं, ठीक है। देन आर्टीरियोज जो है यहाँ से क्या हुआ, छोटा छोटा नेटवर्क बन गया, इस नेटवर्क को हमने क्या बोला, कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरीज इकट्ठी हुई और फिर एक, जैसे यहाँ आर्टीरियोल था वैसे यहाँ है वेन्यूल, ठीक है। अभी वीनस सिस्टम शुरू हो गया तो इसका सबसे छोटी यूनिट हो गई वेन्यूल्स, उसके बाद स्मॉल वेन्स हैं, जैसे यहाँ आपकी मस्कुलर आर्टरीज छोटी थी तो जो छोटी वाली वेन्स है उनको स्मॉलर वेन बोला गया है, और फिर ये स्मॉलर वेन किस में, ये ट्रिब्यूटरीज किस में ड्रेन करेंगी, लार्जर वेन्स में, और फिर एक लार्जर वेन या एक दो जो भी लार्जर वेन्स है वो आपकी हार्ट में ड्रेन करेंगी। इस ग्रीन वाले पार्ट को आप भूल जाओ, ये आपका लिम्फैटिक सिस्टम है, इसको आप भूल जाओ, अभी आप सिर्फ आर्टीरियल सिस्टम और लिम्फैटिक वीनस सिस्टम देखिए। तो इसमें आपने इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, देन यू हैव कैपिलरीज, वेन्यूल्स, स्मॉल वेन्स और लार्ज वेन्स, ये आप देख चुके हैं। अब हम फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इलास्टिक आर्टरीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग वेसल्स। कंडक्टिंग वेसल्स का क्या मतलब होता है, जो ब्लड को कंडक्ट मतलब अपने थ्रू फ्लो करा ले एक बार, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वेसल्स। तो जो आपकी मेजर आर्टरीज हैं, जो आपकी इलास्टिक आर्टरीज हैं, जैसे कि आपका अयोटा हो गया, आपका अयोटा तो डायरेक्टली किसी को सप्लाई नहीं कर रहा है ना, अयोटा के आगे ब्रांचेज अराइज हो रही है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, तो इसीलिए वो सिर्फ कंडक्ट कर रही है, एक बार ही उसने ब्लड को कलेक्ट कर लिया हार्ट से, उसके बाद वो आगे उसकी ब्रांचेज लेकर जाएंगी। तो इसीलिए इलास्टिक आर्टरीज का दूसरा नाम है, फिजियोलॉजिकली हम देखें तो उसका नाम है कंडक्टिंग वेसल। सेकेंड इज मस्कुलर आर्टरी, अभी हमने बोला कि इलास्टिक आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी, मस्कुलर आर्टरी तो उसकी अपनी सेपरेट सेपरेट मसल में जाएगी, अपना अलग अलग डिवीजन है। तो मस्कुलर आर्टरी का क्या काम है, जो ब्लड इलास्टिक आर्टरी ने कंडक्ट किया है अपने थ्रू, उसको उसके स्पेसिफिक हिस्सों में पहुंचाना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मस्कुलर आर्टरी को हमने क्या बोला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। तो जैसे कंडक्टिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। अब आर्टीरियोल का क्या काम है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो मतलब ब्लड को इधर उधर फ्लो नहीं होना देना, उसको रेजिस्टेंस देना, ये काम है आर्टीरियोल का, ठीक है। तो वो इसलिए इनको बोला गया है रेजिस्टेंस वेसल्स। अब आप कैपिलरीज में देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है एक्सचेंज वेसल्स। देन वेन्स, और इनको हमने बोला है कैपेसिटेंस वेसल्स, क्योंकि इनको कुछ ऑफर नहीं करना, इनको ना कोई रेजिस्टेंस देना है, ना कुछ एक्सचेंज करना है, कुछ नहीं करना, इनको बस यहाँ से जो लेकर हार्ट में देना है, तो इसलिए इनको, इनमें इनको बस अपनी कैपेसिटी दिखानी है कि सारा ब्लड इकट्ठा करके वहाँ लेके जाना है, तो इनको हमने बोल दिया कैपेसिटेंस वेसल्स। सो अगर मैं एनाटॉमिकली बात करूँ तो यू हैव इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, स्मॉल वेन्स एंड लार्ज वेन्स। इन्हीं को ही अगर मैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाल दूँ, इनका दूसरे नाम बोलूँ फिजियोलॉजिकली, तो यू हैव कंडक्टिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, देन रेजिस्टेंस वेसल्स, एक्सचेंज वेसल्स एंड कैपेसिटेंस वेसल्स, राइट। तो ये है आपका एक ब्रॉड टर्म। Now you can see here sinusoids और anastomosis। अभी मैं इसको दोबारा से बताऊंगी। अब आप देखो anastomosis पे क्या हो रहा है कि artery और vein directly जुड़ रहे हैं, बीच में कुछ capillary वगैरह नहीं है, तो that is anastomosis। और sinusoids में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि capillaries के अंदर ये dilated part हैं, ठीक है, इनको साइनोसॉइड्स बोला गया है। तो एनास्टोमोसिस जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ कैपिलरीज का जिक्र नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्ट कनेक्शन है। और साइनोसाइड्स का क्या होगा कि कैपिलरीज के बीच में साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं आसपास के एरिया को ब्लड सप्लाई करने के लिए। सो ये है आपका आर्टरी का एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वील रीड अबाउट वेन्स। तो हमने कंपेयर करते करते वेन्स को आर्टरी के साथ भी स्टडी कर लिया है। नाउ तो वेन्स कौन सी होंगी, ब्लू ब्लड वेसल्स, वो रेड ब्लड वेसल्स थी, ये ब्लू ब्लड वेसल्स हैं। और ये ब्लड कहाँ लेकर जाएंगी, अवे फ्रॉम द बॉडी सेल टूवर्ड्स द हार्ट।
Now what happen is when deoxygenated blood carry करेगा और exception I told you about the exception. Exception है pulmonary veins और umbilical veins. जैसे वहाँ pulmonary artery और umbilical artery deoxygenated blood carry कर रही थी, वैसे ही यहाँ pulmonary vein और umbilical vein oxygenated blood carry करेंगी. Now blood flows from various parts of the body to the heart. वो ये भी thin elastic muscle layer है with semilunar. इसमें wall present होगा. वॉल मैंने बताया था ना टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड दोबारा से इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना है तो वापस से ना चला जाए, जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल ही रखे, इसलिए इसमें वॉल प्रेजेंट होंगे. तो लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन वेन्स हैव कोलैप्सिबल वॉल्स. मैंने आपको ये भी बताया था जैसे आर्टरी जो है डीप है, वेन्स को आप ये देख सकते हो इधर इधर ब्लू कलर की होती हैं, किसी की यहाँ दिखती हैं, तो यानी कि इनको सुपरफिशियल रखा गया है. तो जो वेन्स हैं वो स्किन के पास है, सुपरफिशियली प्लेस्ड है. और कोलैप्सिबल का भी मैंने आपको मतलब बता दिया था कि इसमें जो वॉल्स हैं इसकी वो थिन है, और कोलैप्सिबल इसलिए है क्योंकि रिजिड नहीं है. ये वो जो थी ना वो जो पाइप्स जिनका पतली पतली पाइप्स होती है जिसमें से कि अगर पानी निकाल दें तो वो क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, तो जो वेन्स है वो वाली है, तो इसीलिए वो उस टर्म को बोला गया कोलैप्सिबल वॉल्स. तो एज कम्पेयर टू आर्टरीज जो वेन्स है वो इतनी रिजिड नहीं है. सो दिस इज़ वेरी ईजी टॉपिक. तो आर्टरीज और वेन में आप डिफरेंस देख चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव कैपिलरीज. तो सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टीरियोल्स और विनियोल से भी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं जो आपस में एक नेटवर्क बना रही हैं, उनको हमने बोला है कैपिलरीज. तो इनकी कैपिलरीज क्या होती है, सिर्फ सिंगल लेयर से बनी होती है, इनमें कोई मस्कुलर लेयर नहीं होता, कोई ट्यूनिका इंटीमा मीडिया एक्सटर्ना कुछ भी नहीं होता, ठीक है. तो एक ही सेल लेयर जो एंडोथीलियम की एक सेल लेयर है उसी से ही बना हुआ है. और इनका काम क्या है, इनका काम है कि जब भी हर टिश्यू में उसका एक कैपिलरी नेटवर्क होगा हर, ठीक है. तो इनका इनको हर सेल में इसलिए कैपिलरीज की ज़रूरत है क्योंकि इनकी वॉल भी थिक है और इनकी तो इनसे भी ज़्यादा थिक है ना. तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन और वो निकल पाएगा क्या, ऑक्सीजन निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी वॉल्स को तो क्रॉस नहीं कर सकता. तो इसीलिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि सिंगल एंडोथीलियम हमेशा वहाँ होगा या स्क्वैमस एपिथीलियम जहाँ एक्सचेंज कराना है, तो अब यहाँ एक्सचेंज होना है तो इसीलिए इनकी क्या है सिंगल वॉल ही है. तो ये सारा ब्लड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आकर बाहर चला जाएगा आपका ऑक्सीजन और यहाँ आकर अंदर आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तो सिंगल ही सेल लेयर है ना, तो इस कैपिलरीज के अराउंड तो वैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा, इनके एक्सचेंज नहीं हो सकता. तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर ले लिया तो ये उसके बाद अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा, ना ही यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा और ना ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा. तो जो ये एक्सचेंज वाला पार्ट है ना वो इस कैपिलरीज में होता है. तो इसीलिए कैपिलरी इज ओनली वन सेल थिक. तो जितनी भी चीज़ पतली होगी वहाँ से उतना ज़्यादा इजी है एक्सचेंज होना. तो यहाँ आपको गैसेस का एक्सचेंज करना है तो वो एक्सचेंज होगा आपका कैपिलरी नेटवर्क पे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से रिमूवल के लिए. सो दिस वॉज अबाउट कैपिलरीज. Now you can see here, these are, ये उसका enlarged diagram है, ये arteries हैं, sorry, ये arteries हैं, ये veins हैं, ये बीच में जो हैं capillaries हैं. तो artery में endothelium smooth muscle कितनी ज़्यादा layers हैं और veins में भी उसी तरीके से layers हैं. vein में आपको wall देखने को मिलेगा, artery में कोई wall नहीं है. artery में oxygenated blood जा रहा है, ठीक है, वो फिर यहाँ तक आएगा. छोटी छोटी आर्टरी बन गई, पहले तो मेन आयोटा आया, फिर आर्टरी हुई, आर्टरी से छोटा आर्टीरियोल बना, आर्टीरियोल से फिर मेटा आर्टीरियोल्स में ट्रैवल किया और यहाँ आपका कैपिलरी नेटवर्क में आ गया. इस कैपिलरी नेटवर्क में से क्या हुआ, आसपास के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो गया. तो अब ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो यहाँ इकट्ठे होने लगा. तो यहाँ से इकट्ठे होते वो विन्यूल्स में आ गया, विन्यूल्स से फिर वो वेन में चला गया और वेन में फिर वो कहाँ, हार्ट में चला गया. और यहाँ आपको ब्लू एरो दिखा रहा है कि अवे अवे फ्रॉम द
टिश्यू से लेकर हार्ट की तरफ जा रहा है, तो ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ आपको रेड आ रहे हो, क्या दिखा रहा है कि हार्ट से टूवर्ड्स द टिश्यू जा रहा है। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ना, वो आपके टिश्यू में प्रेजेंट है, आपके सेल में प्रेजेंट है, सेल के आसपास प्रेजेंट है। नाउ वी रेड अबाउट टू टर्म्स, एनास्टोमोसिस और शंट्स के बारे में हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज एनास्टोमोसिस? अ सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस इज अ कनेक्शन बिटवीन टू ब्लड वेसल्स। जब भी दो ब्लड वेसल्स में से कैपिलरीज को हटा दो, अब कैपिलरीज नहीं है, डायरेक्ट ही दोनों आर्टरी और वेन है ना, दो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जब भी कनेक्शन अपने आप फॉर्म हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज एनास्टोमोसिस। तो हमारी बॉडी में बहुत सी जगह आपको आर्टीरियल एनास्टोमोसिस और वीनोवेनस एनास्टोमोसिस देखने को मिलेगा, वेरी कॉमन। तो आर्टरी, अगर दो आर्टरीज के बीच में बन रहा है तो आर्टीरियल, दो वेन्स के बीच में है तो वीनोवेनस, और अगर आर्टरी और वेन के बीच में है तो आर्टीरियोवेनस, एवी एनास्टोमोसिस। नाउ अब ये होता क्यों है, एनास्टोमोसिस की क्या ज़रूरत आ पड़ी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लड वेसल, अब मैं अगर आर्टीरो आर्टीरियल की बात करूँ, तो ये एक आर्टरी आ रही है, ठीक है, और ये भी एक आर्टरी आ रही है, तो ये यहाँ इससे जुड़ गई, ये उससे जुड़ गई और इसने आपके किसी ऑर्गन को सप्लाई किया और ये हार्ट से आई है, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी वजह से आपकी ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए, और अगर ये एनास्टोमोसिस यहाँ ना हो, तो उस हिसाब से तो फिर इस तरीके से ये जाएगा ही नहीं ब्लड उसमें, ये ऑर्गन तो डैमेज हो जाएगा, है ना। तो इस ऑर्गन को डैमेज होने से बचाने के लिए ही इस एनास्टोमोसिस की ज़रूरत होती है, कि वो इस तरीके से आ रहा था कि अगर वो इतना डैमेज हो भी जाए ये पार्ट, तो जो ब्लड है वो इस पार्ट से पहुंच जाए, तो हमारे ऑर्गन को डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जो ब्लॉकेज हो जाती है, उस ब्लॉकेज से जो नेक्रोसिस के चांसेस है, जो सेल डेथ के चांसेस है, उसको अवॉइड करने के लिए आपको एनास्टोमोसिस देखने को मिलेगा। यही सेम चीज़ वीनस में भी है, और ये आपको मेनली, आप जब हार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी आपका एनास्टोमोसिस, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स जहाँ भी है, अगर किसी वजह से वहाँ एक आर्टरी ब्लॉक भी हो जाए, तो एटलीस्ट दूसरी आर्टरी तो हो, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई की नीड्स को मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसी जगहों पे आपको एनास्टोमोसिस देखने को मिलेगा। नाउ यू सी हेयर, आपको ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल, ये एक आर्टरी ये रही, एक आर्टरी ये रही, और ये देखो यहाँ एक लूप बन रहा है ना। तो अगर मान लो ये आर्टरी ब्लॉक भी हो जाएगी ना, तो भी आपके पूरे हैंड को ये वाली आर्टरी सप्लाई कर सकती है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आर्टीरियो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, एंड सिमिलरली दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वीनो वीनस एनास्टोमोसिस, एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस। ये रेड कलर की आर्टरी है और ये ब्लू कलर की वेन है, तो ये आपका एग्जाम्पल है आर्टीरियो वीनो एनास्टोमोसिस का। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जुड़ता है, और इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं। नाउ व्हाट इज़ अ शंट? अ कार्डियक शंट इज़ अ पैटर्न ऑफ फ्लो, ब्लड फ्लो इन द हार्ट दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल सर्किट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ नॉर्मल सर्किट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह के आप सर्कुलेशन पढ़ोगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ठीक है, और तीसरा एक टाइप का होता है फीटल सर्कुलेशन। तो जो एडल्ट में पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एक पैटर्न होता है, कि ब्लड को कहाँ से कहाँ फ्लो करना है, कि हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से ब्लड, ब्लड सेल्स या कोई ऑर्गन तक, फिर उस ब्लड सेल्स से वेन जाएगी, वेन से फिर हार्ट, हार्ट से फिर लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, और इस तरीके का। तो ये एक पैटर्न है जो एक नॉर्मल ब्लड फ्लो को फॉलो करना होता है। अगर इस पैटर्न से हटकर कोई ब्लड फ्लो का पैटर्न बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि ये नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, वहाँ एनास्टोमोसिस भी नहीं है, और फिर भी कुछ ऐसा कोई अलग सी डेविएशन हो गई है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं शंट। तो मोस्टली जो आपको शंट है ना, वो फीटल सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि फोरामेन ओवेल है,
ठीक है, आपके दोनों जो एट्रिया हैं उनके बीच मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ब्लड की, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट हैंड साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो फॉर एग्जांपल वहाँ आपका फोरामेन ओवेल है, तो फोरामेन ओवेल क्या है, वो खुला है, तो वो खुला होगा तो दोनों ब्लड मिक्स नहीं हो जाएंगे. तो ये नॉर्मल पैटर्न से अलग हो गया ना, तो इसीलिए ये फोरामेन ओवेल है, डक्टस आर्टेरियोसस है, डक्टस विनोसस है, प्लेसेंटा है, ये आपके हैं शंट्स के एग्जाम्पल, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लड फ्लो पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे. तो जब हम नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टेमिक और पल्मोनरी, वो तो है आपका नॉर्मल, उसमें कोई शंट नहीं है, लेकिन जो आपका फीटल सर्कुलेशन है ये आपको शंट्स के एग्जाम्पल समझाएगा. तो फीटल सर्कुलेशन में तो नॉर्मली भी शंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर एडल्ट में सिस्टेमिक में या पल्मोनरी में कोई ऐसा डेविएशन आ जाता है तो वो आपके शंट में, यानी कि वो कोई प्रॉब्लमेटिक शंट है जो डैमेज कॉज कर सकता है. तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अबाउट शंट्स, अबाउट फीटल सर्कुलेशन. नाउ दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरी. तो अभी तक आप वेन्स और आर्टरी के बीच में पढ़ ही चुके हैं, तो ये बहुत ईजी होंगे आपके लिए. नाउ आर्टरी में ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स में इट मूव टूवर्ड्स द हार्ट. तो अगर टूवर्ड्स द हार्ट जा रहा है तो कलेक्ट कहाँ से किया है, बॉडी ऑर्गन से. और अगर आर्टरी हार्ट से दूर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, इट मूव टूवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन, डिस्ट्रीब्यूट करता है ये. ठीक है, ये वहाँ से कलेक्ट कर रहा है और ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो वॉल्स किसकी रिजिड है, आर्टरीज की, तो वहाँ ब्लड प्रेशर हाई होगा और वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होगा. वॉल्स की बात भी हम कर चुके हैं कि वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और आर्टरी में वॉल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. और वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके दो एक्सेप्शंस आप पढ़ चुके हैं, और आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके भी दो एग्जाम्पल्स, इसके भी दो एक्सेप्शंस आप पढ़ चुके हैं. जो वेन्स हैं वो शुरू कब होती है, कैपिलरीज के बाद में, पोस्ट कैपिलरी जंक्शन पे, और जो आर्टरीज हैं वो कैपिलरीज पे आकर ख़त्म होती हैं. तो जो आर्टरीज हैं वो प्री कैपिलरी वाली साइड में हैं, और जो वेन्स हैं वो पोस्ट कैपिलरी वाली साइड में हैं. नेक्स्ट, वेन्स कैन बी सीन सबक्यूटेनियसली. सबक्यूटेनियस वर्ड स्किन के लिए होता है. तो जो वेन्स है वो आपको सुपरफिशियली मिल जाएगी, स्किन के पास मिलेगी, जबकि आर्टरीज आर डीप सीटेड, ये डीपली प्लेस्ड हैं बॉडी में, मसल्स के अंदर प्लेस्ड है, मसल्स दो मसल्स के बीच में प्रोटेक्टिवली प्लेस्ड हैं. वॉट हैपन टू वेन्स आर, अगर वेन्स आप काटोगे ना, और अगर वही तो ये कोलैप्सिबल हैं, अगर वेन कट जाती है तो उसकी वॉल्स बहुत ही पतली सी कोलैप्सिबल रहेंगी. ये जब अगर कभी आपने डाइसेक्शन किया है तो आपको सच में ये महसूस होता है कि वो रिजिड है और ये कोलैप्सिबल हैं. आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हो आर्टरी और वेन को जब डाइसेक्शन करते हैं. और आर्टरीज का जो है रिजिड होने की वजह से अगर उनमें ब्लड नहीं भी हो तो भी वो कोलैप्स नहीं होगी, वो पूरी रिजिडिटी अपने पूरा ल्यूमन के शेप को मेंटेन करके रखेगी, जबकि वेन में ल्यूमन की शेप मेंटेन नहीं रहेगी अगर उसमें फ्लूइड नहीं है, अगर उसमें ब्लड नहीं है तो. Now veins are further divided into venules. ये इसका division है, artery का division arterioles है. तो veins are usually flattened or collapsed thin wall, और जो arteries है वो round है और उनकी wall thick है. हमने अभी बात की veins का lumen बड़ा होता है और arteries का lumen small होता है, क्योंकि arteries में जो layers है वो well defined है और veins में layers सारी हैं लेकिन थोड़ी पतली हैं. तो अगर हम lumen की बात करें तो arteries जो हैं वो आपको इस तरीके से दिखेंगी. इसमें ल्यूमन कितना है, ये जो आपको बीच में राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो छोटा है. तो आर्टरीज हैव स्मॉल ल्यूमन और वेन्स का जो ल्यूमन है वो लार्ज होगा, क्योंकि ये थिन वॉल्ड है. तो ये थिक वॉल्ड और ल्यूमन छोटा है, इसमें क्या है, थिन वॉल्ड और ल्यूमन बड़ा है. सो वेन्स आर ब्लूइश इन कलर, आर्टरीज आर रेडिश इन कलर, क्योंकि उनका जो ब्लड वो कैरी कर रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस वजह से. वेन्स शो स्लगिश मूवमेंट, स्लगिश का मतलब होता है स्लो. तो वेन्स में जो ब्लड है वो धीरे धीरे जाएगा और आर्टरीज में जो ब्लड है वो बिल्कुल एकदम तेज से जाएगा, प्रेशर ज़्यादा है ना तो तेज से ब्लड जाएगा. तो जब भी कभी आर्टरी अगर इंजर होगी ना तो कैसे निकलेगा, फाउंटेन लाइक, जैसे एक फाउंटेन निकलता है ना, फुवारा निकलता है. अगर कभी आर्टरी कटती है तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, जबकि वेन कटेगी तो उसमें वैसे भी स्लो चल रहा है तो
पूल आसपास के अगर यहाँ डैमेज होगा तो आसपास पहले फैल जाएगा, तो एकदम से बाहर नहीं आएगा। कभी भी जब मेजर आर्टरी कटती है, कभी भी सर्जरी के टाइम अगर आर्टरी को डैमेज होता है तो एकदम से फुवारे की तरह ब्लड बाहर आ जाएगा, लेकिन कभी भी अगर वेन डैमेज होती है तो ब्लड धीरे धीरे आसपास फैल जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो स्लगिश स्लोली जा रहा है और इसमें बहुत फास्ट जा रहा है, एकदम से बहुत हाई प्रेशर के साथ जा रहा है। सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, बहुत ही कॉमन डिफरेंसेज हैं। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आता है अगर 5 मार्क्स का, तो यू हैव टू पेन डाउन ऑल द डिफरेंसेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेन्स एंड आर्टरीज। नाउ पल्सटाइल आर्टरी, तो आपने हमेशा देखा होगा कि पल्स आप लोग यहाँ पे ऐसे बीट्स काउंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स काउंट करते हैं। तो कभी ये जो आप पल्सटाइल वर्ड है ना, पल्स को काउंट करने वाला, तो वो वेन्स के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेन्स में ब्लड बहुत स्लो जा रहा है, तो आप क्या हार्ट बीट को उससे कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कनेक्ट कर सकते। तो आर्टरीज में बहुत प्रेशर के साथ जा रहा है, तो उसकी जो वो पल्सेशंस है ना, जैसे हमारा हार्ट बीट करता है तो वो पल्सेशंस आपकी आर्टरी में भी ट्रैवल करती हैं। तो कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जिनको हम पल्सटाइल आर्टरीज बोलते हैं, कि जहाँ से क्या कर सकते हो, आप हार्ट बीट को मेजर कर सकते हो, पल्स को मेजर कर सकते हो। द पल्स में बी पैल्पेटेड इन एनी प्लेस दैट अलाउज एन एंट्री टू बी कंप्रेस्ड नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो आप किसी भी आर्टरी में पल्स को तब पैल्पेट कर सकते हो कि अगर उस पर्टिकुलर वेन के नीचे अगर बोन आ रही है, तो क्योंकि कोई चीज़ हार्ड होगी नीचे की तरफ, तो ही तो आप उसके ऊपर उसको दबाओगे तो आपको उसकी पल्सेशंस फील होंगी ना, वरना तो आपको पल्सेशन, एक चीज़ तो उसका जो बेस है वो तो फिक्स होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो अगर आप उसको बॉडी की किसी भी सरफेस के ऊपर, या जैसे बोन ले लो, अगर आप उसके ऊपर उसको कंप्रेस कर सकते हो, वो डिस्प्लेस ना हो, ऐसे नहीं कि वो नीचे जा रही है तो नीचे वाला पार्ट भी नीचे रहा, बेस शुड बी, मतलब पूरा स्ट्रेंथन बेस होना चाहिए, उसके ऊपर आप उस आर्टरी को कंप्रेस करके उसकी पल्सेशंस फील कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ साइट्स हैं, 6 साइट्स हैं जहाँ ईजिली आप आपकी पल्सेशंस फील कर सकते हो। नेक में कैरोटिड आर्टरी, अगर आप यहाँ रखेंगे तो यू कैन फील योर पल्सेशंस। तो आपकी नेक में आपकी कैरोटिड आर्टरी है। रिस्ट में यू हैव रेडियल आर्टरी, आप इधर देखते हैं ना, ये बैंड्स आजकल जो चले हैं वो क्या करते हैं, हम रिस्ट पे बांधते हैं, तो ये उन पल्सेशंस को ही मेजर करके आपका हार्ट रेट बताते हैं। नहीं तो हार्ट पे तो नहीं रखा ना ये बैंड आपने, तो रिस्ट में बांध रखा है। तो जो बैंड्स हैं वो इसी तरीके से आपकी पल्सेशंस को, आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। सो नेक में यू हैव कैरोटिड आर्टरी, रिस्ट में यू हैव रेडियल आर्टरी जो लेटरली चलती है, इस तरीके इस तरफ चलती है, वेरी कॉमन रेडियल आर्टरी। एट द ग्रोइन यू हैव फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी आपके ग्रोइन रीजन में जहाँ आपका लोअर लिम स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ फीमोरल आर्टरी बिहाइंड द नी, मतलब पोस्टीरियर पार्ट में जो आपका पोपलीटियल फोसा है उसमें आपकी पोपलीटियल आर्टरी है वहाँ पे। एंकल जॉइंट में पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, तो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी एंकल जॉइंट में, अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यू हैव पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। और फुट में अगर आप आगे एंकल जॉइंट में आगे की तरफ जहाँ आपका फुट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे यू हैव डॉर्सेलिस पीडीज आर्टरी। सो दीज आर द सम पल्सटाइल आर्टरीज, नेमली कैरोटिड आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पोपलीटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी एंड डॉर्सेलिस पीडीज आर्टरी। तो आपको पता है इन आर्टरी की लोकेशन कहाँ है, तो इन आर्टरीज को कंप्रेस करके, प्रेस करके आप इजीली पल्सेशंस को फील कर सकते हैं। तो ये आपका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कॉमनली आप यही करते हो, रेडियल आर्टरीज वेरी कॉमन, सबसे पहले आप हाथ पकड़ के यहाँ पल्सेशंस फील करते हो, ये नहीं तो वी गो फॉर कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी हार्ट के बिल्कुल पास होने के वजह से ऑलमोस्ट बराबर सा ही बताती है, तो वेरी एक्यूरेट इज़ कैरोटिड आर्टरी। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि इन दोनों से भी, कैरोटिड आर्टरी में आपको पता चल ही जाएगा, बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि दोनों से ही नहीं हो रहा है, देन यू गो फॉर दीज ऑप्शंस। ठीक है, पाँव में हम तब जाएंगे जब यहाँ हम हाथ और नेक में हमें नहीं महसूस हो रहा है, बट मोस्टली कैरोटिड आर्टरी में योर वर्क इज़, ये सफाइस है, मतलब सफिशियंट है, कर देता है आपका काम। नेक्स्ट इज ऑनकोटिक प्रेशर। नाउ आप सोचोगे कि एकदम से पल्सटाइल आर्टरीज के बाद ये प्रेशर कैसे आ गया, तो अभी हमने जब प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़े थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हमने बात की थी, तो हमने उसका फंक्शन पढ़ा था कि ये जो फ्लूइड का बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। हाउ, कैसे?
तो ये बात है, जब भी आप ये फ्लूइड बैलेंस की मेंटेनेंस की बात करोगे या प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करोगे, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट इज़ ऑनकोटिक प्रेशर, या दूसरा नाम क्या है इसका, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आँख बंद कर ये चीज़ बिल्कुल आनी चाहिए सामने की। प्लाज्मा प्रोटीन की बात की है, यानी कि तीन तरह के थे ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, तो उसमें एल्ब्यूमिन की बात हो रही है। तो एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा है, और एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या चीज़ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चीज़ है, और इन दोनों से मिलकर कैसे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑनकोटिक प्रेशर और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ प्रेशर विच इज़ इंड्यूस्ड बाय प्रोटीन्स स्पेशली एल्ब्यूमिन इन द ब्लड वेसल्स दैट डिस्प्लेसेस वाटर मॉलिक्यूल्स thus creating a relative water molecule deficit with water molecules moving back into the circulatory system within the lower venous pressure end of capillaries. तो oncotic pressure क्या करता है, oncotic pressure को अगर मैं सीधे सीधे भाषा में समझाऊँ तो आप इधर देखिए, oncotic pressure को osmotic pressure भी बोला हुआ है और colloidal osmotic pressure है, यही है। तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स एग्जर्ट कर रहे हैं ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब ब्लड में, ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल में। तो मतलब ऑनकोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर है जो चीज़ों को, यानी कि जो फ्लूइड को ब्लड वेसल के अंदर लेकर आएगा, इसका काम है इसको अंदर खींचना, ताकि उसको जो अपना 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड मेंटेन करना है ना, उसको वो मेंटेन करके रखे। तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगा कौन रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन अगर ब्लड के अंदर हैं तो यानी कि वो अपने ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे, तो वो बाहर से खींच कर पानी को अंदर लेके आएंगे, फ्लूइड को अंदर लेकर आएंगे कि मुझे अपना 5 से 6 लीटर मेंटेन करना है। तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय एल्ब्यूमिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ these interacting factors determine the partition balancing of total body extracellular water between the blood plasma and the larger extracellular water volume outside the bloodstream. तो ये जो colloidal osmotic pressure है और जो hydrostatic pressure है, ये दोनों क्या maintain करेंगी कि आपकी circulation में कितना volume घूमना चाहिए, as well as यानी कि आपके plasma में कितना volume घूमना चाहिए, as well as जो extracellular volume है वो कितना रहना चाहिए। क्योंकि ना ही आप ब्लड वेसल्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम, हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ना ही आप उसको सेल के आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इन दोनों को मेंटेन करने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द मेजॉरिटी ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर इन कैपिलरीज इज जनरेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो 80% बना रहा है। तो ज़्यादातर जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो एल्ब्यूमिन ही कंट्रीब्यूट करता है उसको। नाउ द टोटल ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ एन एवरेज कैपिलरी इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर कि एल्ब्यूमिन है एक प्लाज्मा प्रोटीन जो एग्जर्ट करेगा ऑनकोटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या है, आप पिछली स्लाइड में अगर उसका एरो देखेंगे तो यू कैन सी कि ऑनकोटिक प्रेशर का काम है अंदर की तरफ लेके आना, मतलब अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, उसने सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करना है। नाउ नेक्स्ट, इट हैज़ द अपोजिंग इफेक्ट ऑफ बोथ हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर। अब इसके ऑपोजिट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो जिस तरीके से वो अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से फ्लूइड को खींच के ब्लड वेसल में लेके जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक का काम बिल्कुल इसके उल्टा है। वो क्या करेगा, वो ब्लड वेसल से चीज़ों को धक्का मार के उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके जाएगा। ये देखिए, ये ब्लू एरो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये ब्लड फ्लो से चीज़ों को बाहर लेके जा रहा है, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो इसके उल्टा काम कर रहा है। So, the force of hydrostatic pressure means that blood, when it moves along the capillaries, the fluid moves out through its pores and into the
इंटरस्टीशियम, यानी कि इसके पोर्स में से निकल कर फ्लूइड, जो हमारी ब्लड वेसल है वो भी तो सिंगल सेल्ड लेयर ही है ना, कैपिलरीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो कैपिलरी तो सिंगल लेयर है, उसका तो काम ही था न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज करना। तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से जो उतना भी फ्लूइड है इट विल मूव आउट थ्रू इट्स पोर्स एंड इनटू द इंटरस्टीशियल स्पेस। तो जो ब्लड वेसल से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो अंदर की तरफ लेके आ रहा है दैट इज ऑनकोटिक प्रेशर। अब इन दोनों के बैलेंस से ही जो है वो फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन होगा। नाउ वी हैव स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। तो स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, एक साइंटिस्ट थे स्टार्लिंग, फ्रैंकलिन स्टार्लिंग, उन्होंने क्या बोला था कि द फ्लूइड मूवमेंट ड्यू टू द फिल्ट्रेशन अक्रॉस द वॉल ऑफ कैपिलरी इज डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर। तो उन्होंने भी यही बात बोली थी। तो दीज इंटरैक्टिंग फैक्टर्स डिटरमाइन द बैलेंसिंग ऑफ टोटल बॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की प्लाज्मा में और सर्कुलेशन से बाहर। तो दोनों में जो फ्लूइड है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और हमारे ब्लड के बीच में, जो ब्लड में भी प्लाज्मा, इनके बीच जो फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रहना है कि ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होना चाहिए ना प्लाज्मा 55% से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको मेंटेन करने वाले ये दो फोर्स है। तो जहाँ भी कोई चीज़, अगर प्लाज्मा में वाटर ज़्यादा हो रहा होगा तो वो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर में भेज देगा, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में वाटर ज़्यादा हो रहा होगा तो वो उसको सर्कुलेशन में निकाल देगा। अब आप इधर देखिए, दिस इज़ योर कैपिलरी है, ठीक है, ये हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं। तो कैपिलरी का ये आर्टीरियल एंड है और ये उसका वीनस एंड है, यानी कि जहाँ आर्टरी आके ख़त्म हो रही है और वीनस एंड में क्या है, जहाँ से वेंस शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपका आर्टीरियल एंड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है आपका 35 और ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ 25। तो अब आप देखिए, इसमें से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जो नेट फ्लो में चीज़ें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या काम था, चीज़ों को बाहर भेजना, ब्लड वेसल से बाहर भेजना, तो टिश्यूज़ में चली जाएंगी चीज़ें। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स लेकर आया है, सारी चीज़ें लेकर आया, तो इससे सेल्स को ही तो देनी है। तो यहाँ आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो 35 माइनस 25 हम करेंगे, तो इस तरीके से जैसे जैसे ये अब यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा 25 to 28, और जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो नेक, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि अब ये चीज़ों को बाहर से अंदर की तरफ लेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो अंदर की तरफ लेता है, तो यहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को उठाना है या कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट को उठाना है, तो वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और इस तरीके से वो वेंस में चलेंगे। तो इस तरीके से जो है वो बैलेंस मेंटेन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और ब्लड में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इट थ्रोस आउट ऑफ द ब्लड वेसल, और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो इनसाइड अब्जॉर्ब करता है। तो इस यहाँ पे नेट प्रेशर बाहर की तरफ होने की वजह से सारे जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे जो सारा जो नेट प्रेशर है वो इनसाइड होने की वजह से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ फ्लूइड बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द सर्कुलेशन, इन माइक्रो सर्कुलेशन, स्पेशली बाय एल्ब्यूमिन। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, और प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, कि हमने ब्लड और ब्लड वेसल्स हमने कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट सेशन वील रीड अबाउट इट्स थर्ड कॉम्पोनेंट इन डिटेल विच इज़ हार्ट। थैंक यू।